दीपिका चिखलिया यानी रामायण की सीता। वैसे तो तेलुगु, मलयालम, बंगाली और हिंदी भाषाओं में कई बेहतरीन फिल्मों में काम कर चुकी हैं, लेकिन जिसने उन्हें घर घर में पहचान दिलाई वो था साल 1987 में दूरदर्शन टीवी पे प्रसारित किया गया पौराणिक धारावाहिक रामायण, जिसमें दीपिका चिखलिया ने सीता का किरदार निभाकर सभी का मन मोह लिया था। एक आलम ये था कि राम बने अरुण गोविल और सीता बनी दीपिका, कहीं भी जाते तो लोग देवी देवताओं की तरह उन्हें सम्मान देने लगते। बता दे, इस पौराणिक धारावाहिक की तरह उन्होंने कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया, जिसके दम पर उन्होंने करोड़ों की संपत्ति अपने नाम की और एक हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल मेंटेन करती हैं। इसलिए आज हम आपको दीपिका चिखलिया की लाइफस्टाइल के बारे में बताएंगे, जहां आप जानेंगे वो कितनी आलीशान जिंदगी जीती हैं। तो बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। दीपिका चिखलिया ने साल 1983 में फिल्म सुन मेरी लैला से अपना फिल्मी सफर शुरू किया। इसके बाद वो भगवान दादा, खुदाई ऐसी फिल्मों में नजर आई। वो चीख, रात के अंधेरे में और नांगल जैसी बी ग्रेड फिल्मों में भी बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। बता दें, दीपिका ने ना सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अदाकारी का रंग बिखेरा, बल्कि उन्होंने टीवी इंडस्ट्री में भी खूब लोकप्रियता हासिल की, जिसके दम पर उन्होंने करीब 35 करोड़ की संपत्ति अपने नाम की है। इसका एक बड़ा हिस्सा उनकी प्रॉपर्टी पर खर्च किया गया। दीपिका चिखलिया का मुंबई में एक बेहद आलीशान घर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। बता दें कि दीपिका चिखलिया ने अपने आशियाने को अपने और अपने फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करवाया, जिसे उन्होंने तरह तरह की पेंटिंग से सजाया हुआ है। उन्होंने घर में बहुत सारे पौधे लगाए हैं। घर में शांति और ताजी हवा ये पौधे लाते हैं। चिखलिया को पढ़ने का शौक है, इसलिए इनके घर में बहुत सारी किताबें हैं। इनका लिविंग रूम भी शानदार दिखाई देता है। इनके घर की लाइटिंग और इनके घर के पेंट के कलर्स के साथ साथ इनके आउटलुक को भी बेहद बारीकी से सजाया गया है। तभी तो जो भी इनके घर की तरफ से गुजरता है, उनकी नजरें उन्हीं के घर पे टिक जाती हैं। बता दें, दीपिका चिखलिया जितने आलीशान घर में रहती हैं, उतनी ही हाई स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीती हैं। इनकी ड्रेसेस से लेकर फुटवेयर तक हर चीज ब्रांडेड होती है। बता दें, दीपिका चिखलिया को गाड़ियों का बेहद शौक है। इसके चलते उनके पास एक अच्छा खासा कार कलेक्शन है, जिसमें आपको मर्सिडीज और BMW जैसी महंगी कारें देखने को मिलेंगी। दीपिका ने हेमंत टोपीवाला से शादी की थी। हेमंत श्रृंगार बिंदी और टिप्स एंड टोज नेल पॉलिश के ओनर हैं। दीपिका और हेमंत की दो बेटियां निधि टोपीवाला और जूही टोपीवाला हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो दीपिका पति की कंपनी की मार्केटिंग टीम की हेड हैं। तो आपको दीपिका के लाइफस्टाइल के बारे में जानकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके बताइए। और ऐसी दिलचस्प बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।